देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंडी में भी नेहरू जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज देश जिस प्रगति पर आगे बढ़ रहा है उसमें पंडित नेहरू का विशेष योगदान है। दीपक शर्मा ने कहा कि आज सभी को पंडित नेहरू के बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इस मौके पर सदर से कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुकी चंपा ठाकुर सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पे उनके तस्वीर पे पुष्पांजलि अर्पित की और एक बैठक का आयोजन किया। इसमें हमने जवाहरलाल नेहरू जी के बताए हुए जो उनके सिद्धांत थे, जो उनके मार्गदर्शन था, उस पे चलने की हमने शपथ ली और बाकी जवाहरलाल नेहरू जी के जो जीवनी थी उसको याद किया कि आजादी से पहले और आजादी के बाद उनका जो भारत, आधुनिक भारत बनाने में जो योगदान था उसको हमने जिला कांग्रेस कमेटी में जो वक्ता थे उन्होंने इस पे प्रकाश डाला और हमने उनके जो मार्ग थे उन पे चलने की शपथ ली।